Hi guys, you are on Smile IAS YouTube channel. Today हम लोग अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं. पहले लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. अभी क्या इससे रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. एंड आवर टैग लाइन इज वीर भोगी वसुंधरा मीन्स दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस दे कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. ओके थैंक यू. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम्स तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो अगर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 4. ओके सो एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 क्या होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके सो फर्स्ट थिंग हियर इज ऑलरेडी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये सब सबको डराइव किया था जिसको हमें याद तो नहीं करना था बट बार बार उसको देखना जब भी हम खोले तो उसको देख लें. ओके सो इसका क्या फार्मूला था तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका. एक्स पावर 6 प्लस 1 अपान थोड़ा ग्लिच आ रहा गया है. एक्स पावर 6 क्या फार्मूला था n पावर क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2 दिस इज द फॉर्मूला. ओके सो यहाँ पे n क्या है n जो है ये 4 है. ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ n के स्थान पे हम 4 पुट कर देंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा. माइनस 4 12 हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा. ओके तो 64 तो हो जाएगा 52 ऑन 52 का होल स्क्वायर आ जाएगा. ओके माइनस 2 हो जाएगा एंड 52 का स्क्वायर होता है 2704 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा आंसर. आंसर आ जाएगा 2702. ओके सो हम ऐसे इसको कर सकते हैं. सो अभी क्या करते हैं जैसे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं. सो एक थोड़ा सा बेटर रहेगा. अभी क्या हमने मोस्टली जो सॉल्व किया वो पॉजिटिव साइन वाला किया तब नेगेटिव साइन वाला भी कर लेते हैं. नेगेटिव साइन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. ओके क्वेश्चन नंबर 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 40. सो इसका वैल्यू क्या होगा. ओके तो हमें इसका फॉर्मूला पता है माइनस वाले का. क्या है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर प्लस 2 है. एन क्या है यहाँ पे 40 है. 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1600 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 1602 ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
जैसे एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल 10, सो इसका क्या वैल्यू होगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एस क्यूब, पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली आप सारे डिफरेंट एग्जाम देखोगे तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर, एन क्यू प्लस 3n, सो यहाँ n के ऊपर 4 क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्यूब इसका, माइनस 30 तो कितना जाएगा 970, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर में 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर हो गया। एरर क्या हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस साइन है, हमने यहाँ माइनस साइन यूज किया, सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1030। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल 5 है, सो इसका आंसर क्या होगा, किसका, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको करवाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल एन स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर माइनस 2, दिस इज, और यहाँ पे एन क्या है, एन जो है 5 है, तो 25 एंड 27 का स्क्वायर माइनस 2, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 7 2 9। ओके, माइनस 2 इक्वल आ जाएगा, तो 7 2 7 आ जाएगा। ओके, सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको कर लेते हैं, तो अगर जैसे इफ इफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 3 हो जाएगा, तो इसका क्या वैल्यू होगा, एक्स पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5, तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसका अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो देखिए कर तो लोगे ही, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, अन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो आप इसको, इसका पहले फार्मूला, वो आप बार ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर प्लस 2 एन क्यू थ्री एन माइनस एन। ओके, एन क्या है, यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3 3 9
36 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 11 इंटू 36 कितना होगा, आप इसको गुणा कर लो तो आ जाएगा 11 इंटू 36, तो 396 हो जाएगा। ओके यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ है, अच्छा ये 396 और माइनस 3 क्या हो जाएगा आंसर, 393। ओके सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे इफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 3, तो क्या पूछा है, एक्स पावर 5 माइनस 1 अपान ओके सॉरी सॉरी, ये हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके, ये वाला ये हो गया 4 हो गया, तो ये वाला हम कर लेते हैं, वाई एक्स पावर 5 पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सो यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला पहले बताना चाहिए, एक्स पावर 5 माइनस 1 अपान एक्स पावर 5 इक्वल एन स्क्वायर प्लस 2 एन क्यू प्लस 3 एन माइनस एन। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला, एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 को पुट कर देना है, 4 जो है एन है। ओके तो 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, 18 और इसमें क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 और 66 76 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ओके तो ये 18 हो जाएगा, 18 इंटू 76 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1368 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1364 इसका आंसर हो जाएगा। ओके सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 4, तो एक्स का पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 ये हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो आसानी से हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो हो तो जाएगा ही। फॉर्मूला क्या है, एन क्यू प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 2। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके सो अब इसमें हम क्या करेंगे, n के स्थान पे हम 4 को पुट कर देंगे। ओके यहाँ क्या हो जाएगा, 64 64 एंड 3 टोटल 64 76। ओके 76 का स्क्वायर ओके प्लस
तो 76 का स्क्वायर क्या होगा, 76 ये हो जाएगा 5776, 5776 प्लस 2 ये हो जाएगा 5778, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये पता है तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं।